नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चों के क्वेरी थे, जैसे ही रिजल्ट आपका आया है, जेएसए का कट ऑफ आई है, तो सभी लोग एकदम तैयार हो गए हैं टाइपिंग के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी केवीएस ने अपडेट नहीं दिया है कि आपका टाइपिंग जो होगा वो कितने समय का होगा, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, उसमें एक्यूरेसी क्या होगा। फॉन्ट तो ऑलमोस्ट ये है, मान के चलिए कि तय है कि फॉन्ट आपका, जैसे हिंदी में ही फॉन्ट की दिक्कत है, बाकी इंग्लिश टाइपिंग के लिए फॉन्ट इशू नहीं होता है, तो हिंदी वाले के लिए फॉन्ट जो पहले था आपका केवीएस में वही रहेगा, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। तो फॉन्ट तो आप लोग जान लीजिए कि मंगल और रेमिंटन गेल ही रहेगा आपका, लेकिन और जो दिक्कतें हैं, जैसे आपका बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, स्क्रॉल ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा कि नहीं जो पैराग्राफ होगा, तो इतने सारे आपके सवाल हैं। प्लस ऊपर से और भी जो बच्चे हैं जो पीएच कैंडिडेट है, खासकर ऑर्थोपेड जो पीएच कैंडिडेट हैं, उनके भी सवाल हैं, सर मेरी टाइपिंग होगी कि नहीं, उससे रिलेटेड कोई मेल नहीं आया। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किया था, तो सभी कमेंट के धीरे धीरे मैं करके आंसर दूंगा। जो मेन है आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या आपका ऑलमोस्ट होना चाहिए। जो एनटीए और जो पिछला आपका अगर बात करें, टीसीएस ने जो टाइपिंग ली थी, एजेंसी चेंज हो गई है, लेकिन सब कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला आपका सीबीएसई ही है, ठीक है। सीबीएसई के तर्ज पर एजेंसी सिर्फ चेंज हुई है, एनटीए हो गई है, पहले टीसीएस थी। तो मैं आपको यहां पर यह बताने आ रहा हूं कि जो पिछली बार टाइपिंग हुई थी वो कैसे हुई थी, उसके बाद मैं बताऊंगा कि एनटीए अभी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में अपनी टाइपिंग कैसे लेते आया है, ठीक है। तो सबके सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे कि क्या होगा, कि जैसे आप लोगों को मैं बताऊं ये सब मैं एनालिसिस कहां से किया, जो केंद्र विद्यालय का टाइपिंग के बाद आपका एक नोटिफिकेशन आता है, ये नोटिफिकेशन जरूर आएगा आपका डेमो टाइपिंग के लिए, डेमो सीपीटी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इसका वेट जरूर करिए, ये जरूर आपका आयोग जल्द ही 2-4 दिनों में आपको मिल जाएगा। तो इसी लिंक पर हम जब जाएंगे, तो हमने आपको एक ऐसे ही सीपीटी के लिए बताया था कि वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे सीपीटी वाला, ध्यान रखिए आप सभी। ये अगर ब्राइटनेस में थोड़ा सा कम कर दे रहा हूं, यहां पर आप ध्यान रखिए, जो सीपीटी आपका पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, पहले आपका जो होगा वो सीपीटी टेस्ट होगा, हाँ सीपीटी टेस्ट होगा, जो 45 मिनट के अप्रोक्स में होगा। सीपीटी और टाइपिंग मिला के जो पिछला रिकॉर्ड यही बताता है, सीपीटी और टाइपिंग मिलाकर ये टोटल 60 मिनट का होता है, ठीक है, टोटल ये 60 मिनट का होता है जो जेएसए की होगी। तो सीपीटी आपका 50 क्वेश्चन 45 मिनट का होगा और टाइपिंग आपका 10 मिनट का होगा। ये मैंने आपका पूरा पूरा खुद ही देकर पिछले लिंक के थ्रू जो डेमो आया था उससे मैंने देखा। तो पहले क्या होता कि आपका सीपीटी हो जाने के बाद आपको कुछ ब्रेक टाइम मिलेगा 5 मिनट का सीपीटी होने के बाद, उसके बाद से आपको टाइपिंग का मौका आएगा कि टाइपिंग में आप अपने कीबोर्ड को चेक कर लें, आपका स्पेस सही काम कर रहा है कि नहीं, इंटर काम कर रहा है कि नहीं, सभी कीज काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो आपका आता है। जैसे ऐसे मैंने एक फिगर दिया ना, देखो यहां पर टाइपिंग मॉक करके आ रहा है, तो इस टाइपिंग मॉक में आप अपने चेक कर सकते हो कि सभी वर्ड काम कर रहा है, बैक स्पेस काम कर रहा है कि नहीं, इंटर काम कर रहा है कि नहीं, जो भी चीजें हो आप पूरे कीज को चेक कर सकते हो। तो ये मॉक होता है। इस मॉक के बाद आपके 10 मिनट के ब्रेक के बाद या 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपकी एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होगी। देखो यहां लिखा है ना, टाइपिंग एक्चुअल, ठीक है। अब एक्चुअल टाइपिंग जो स्टार्ट होती है, यहां पर देखो जो मॉक टाइपिंग थी वो 5 मिनट की थी, ये 5 मिनट आपको चेक करने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये पुराना एजेंसी जो है टीसीएस ने कराया था उसके अकॉर्डिंग है, एनटीए भी कराता है ये चेक करने वाला काम, एनटीए भी अपने टाइपिंग में कराता है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में ये काम हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद से अगले स्टेप पे जब आओगे, ये आप लोग जब सबमिट करोगे ना, तो यहां पे ग्रॉस की स्ट्रोक करके आता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो मॉक का ग्रॉस की है ना, ठीक है। बाकी आपके सीपीटी का देखो, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एसएस इंटरनेट, उसका आता। अब इसके बाद जब आपका एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब मैं इसमें कुछ ऑब्जर्व किया हूं कि ये 10 मिनट की आपकी टाइपिंग होती है, 10 मिनट की आपकी टाइमिंग है यहां पर टाइपिंग की। अब यहां देखो एक्चुअल टाइपिंग पे है, इंग्लिश टाइपिंग मैंने किया था, जब मैंने स्टार्ट किया यहां पर देखो वर्ड हाईलाइट हो रहा है, वर्ड हाईलाइट हो रहा है, एक ग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। अब कहोगे सर जी ये रेड कैसे हो गया, ये रेड ऐसे हो गया, ये रेड आपको गलत बताता है। एक्चुअली ऐसे ही हाईलाइट आपका क्या होता है,
एनटीए में भी वर्ड हाईलाइट होगा। तो जो आपका पहला सवाल है कि वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, वो वर्ड हाईलाइट होगा। और जो बच्चे ये भी ध्यान दो कि जो लोग सीपीटी के लिए एमसीक्यू तैयारी करना चाहते हो, मेरे द्वारा पूरा का पूरा कोर्स आपको सीपीटी का कोर्स चलाया जा रहा है जो मात्र एक मिनिमम फीस में है। उसमें मैंने कम से कम 25 से 30 क्लास आपको थ्योरी बेसिस पर दिया है और कम से कम ऐसे ही 30 से 35 क्लासेस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी करंट में मैं करा रहा हूं एमएसएसएस, ठीक है। ओवरऑल जितना अगर वो पढ़ डालते हो ना, आप प्रैक्टिस वाली क्लास देख डालते हो और एमसीक्यूज कर डालते हो, तो आपका सीपीटी में जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो रुकने वाला नहीं है। आप टाइपिंग तैयार कर लो, सीपीटी मेरे ऊपर छोड़ दो, पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं 100% कि आप सीपीटी में 40% मार्क्स अच्छे से लेकर आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको बताऊं कि ये क्यों रेड आ रहा है। यहां पर देख रहे हो कि ग्रुप लिखा हुआ है स्पेलिंग, और मैंने ग्रुप की स्पेलिंग को क्या कर दिया था, ग्रुप की स्पेलिंग को जी आर यू कर दिया हूं, यहां पर पी गायब कर दिया, और जो यहां ऑफ लिखा हुआ है मैंने ऑफ को ही ओमिट कर दिया, एक पूरा वर्ड मैंने गायब कर दिया, और पूरा वर्ड गायब करने से सब लाल हो गया। तो क्या ये सब गलत है? चांसेस हो सकते हैं। आप अगर कोई चीज वैसे अगर ओमिट करते हो तो ये एरर होता है। कोई भी वर्ड आपका एरर, सभी वर्ड नहीं एरर में जाएगा, लेकिन आपने जिसको ओमिट किया ये एरर में काउंट होता है। कोई भी वर्ड आपने गायब कर दिया तो वो एरर होगा। फिर हम अगले वाले में जब देखें, हमने उसको क्या किया कि स्पेलिंग तो मैंने सही कर दिया, यहां पे जो ऑफ को मैंने गायब किया था मैंने ऑफ लगा दिया, और अभी भी मैंने ग्रुप की स्पेलिंग जी आर ओ यू लिखा हूं, तो यहां पर इसी को लाल दिखा रहा है कि यह चीज क्या है, आपकी गलत है लाल में, ठीक है। बाकी सब ग्रीन हो गए, मतलब सब सही है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब एक वर्ड गायब कर देते हो इसका मतलब नहीं कि सबका सब गलत हो गया, वो ये बताता है कि आप कुछ गलत किए हो जिसके वजह से यह पूरा सेंटेंस मैच नहीं खा रहा है, ये ध्यान रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। अब आते हैं जो कुछ, अब मैंने पूरा टाइप कर दिया यहां पर, देखो तभी भी आपका ये वर्ड गलत है क्योंकि मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक की है। जब ये आपके एक्चुअल टाइपिंग को सबमिट करोगे 10 मिनट बाद, तो कुछ ऐसे खुल के आता है, आपसे फीडबैक लिया जाता है। ये फीडबैक का है, फीडबैक लिया जाएगा, और फीडबैक के बाद आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। फीडबैक होने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, कोई वहां पर ग्रॉस और स्पीड ये सब नहीं देगा, ये हुआ था मॉक देने के बाद। बाकी एनटीए क्या कराती है, अभी टीसीएस करा, एनटीए वाले में भी आप ध्यान रखो कि जो एनटीए की टाइपिंग होती है वो क्या है, उसमें आपका बैक स्पेस, इसमें मैं बता दूं बैक स्पेस अलाउ है, इसीलिए मैंने सही कर लिया जो मैंने किया यहां पर। बैक स्पेस आप लोग कहते हो ना कि अलाउ है कि नहीं, बैक स्पेस अलाउ है, ये ध्यान रखिएगा, बैक स्पेस आपका अलाउ होगा, ठीक है। और ये एनटीए के एग्जाम में भी आप देखिए, एनटीए के एग्जाम में टाइपिंग में क्या होता है कि वर्ड हाईलाइट होगा, वर्ड जो होगा हाईलाइट होगा, वर्ड हाईलाइट आपका क्या होगा, वो होगा। बैक स्पेस आपका काम करेगा, बैक स्पेस जो होगा वो काम करेगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा पैसेज, जो पैराग्राफ होगा वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा, ये ध्यान रखिएगा। बैक स्पेस आपका काम करेगा, वर्ड हाईलाइट होगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा, ये आपके सवाल थे। बाकी अगर हम फॉन्ट की बात करें हिंदी टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग का जो फॉन्ट होगा, हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट नोट कर लो, वो आपका मंगल इंस्क्रिप्ट होगा और रेमिंगटन गेल होगा, ये दो इस आपके फॉन्ट चलते हैं। इसका लेआउट का पीडीएफ भी है, वो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर दे दूंगा, ठीक है। तो वर्ड हाईलाइट आपका होगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा, बैक स्पेस भी काम करेगा। अब रही बात कि सर जी टाइमिंग, आप लोग जो टाइमिंग पूछ रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग जो टाइमिंग होगा वो आपका 10 मिनट टाइपिंग के लिए मिलेगा, और ये सभी भी मिलता है, एनटीए द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं, सर ये कहां पे होगा, टाइपिंग सॉफ्टवेयर में होगा या कागज पे हमें देख कर लिखना होगा? देखो जो टाइपिंग होगी आपकी ना, वो आपका ऐसे विंडोज रहेगा जैसे मैंने बताया, यहां पर क्या होगा, हाफ में आपके कंटेंट रहेगा विंडो में, और यहां पर आपको टाइप करना होगा, यहां पे आपको टाइप करना होगा जो भी कंटेंट होगा, ठीक है। 10 मिनट की टाइपिंग होगी। अब एक्यूरेसी क्या होगी, ये सबसे बड़ी बात, इसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया है। तो एक्यूरेसी के लिए हम बताएं कि अभी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम कराया था,
किसका कराया था? सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम कराया था, जेसीए का। अब यहां पर जेसीए वाले में क्या था, 3% एरर सिर्फ दिया था कि आप 3% एरर कर सकते हो, मतलब 97% एक्यूरेसी लिया था इसने। एक्यूरेसी की बात करें तो 97% एक्यूरेसी लिया था। तो अभी कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन केवीएस की तरह से नहीं आया है कि एक्यूरेसी क्या होगा, लेकिन यह मान के चलिए कि आपको गलती कम से कम करनी है और आपको 95+ की एक्यूरेसी रखनी है, मतलब आप अगर यहां 97 ले रहा है तो इससे कम तो आपसे एक्यूरेसी लेगा नहीं, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट चाहिए आपका, तो ओवरऑल ये देखिए कि आपका जो स्पीड होगा ना, कि आपका ग्रॉस स्पीड कितना गिरा, आप एरर किए, एरर को हटाने के बाद आपकी स्पीड कितनी आई, तो उसके अकॉर्डिंग लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्यूरेसी आपका मायने रखेगा, क्योंकि उसको जब स्पीड गिनना रहेगा ना, स्पीड आपका 35 वर्ड, तो वो आपका नेट स्पीड गिनेगा कि आपका कितना गिरा आपके एरर और काउंट करने के बाद, तो वहां एक्यूरेसी मायने रखती है। और मैं बार बार बोलता हूं आपको टाइपिंग में, अभी कोई केवीएस की तरह से ये नहीं बात आई है, लेकिन एनटीए में आपके 97-95 से ऊपर ही एक्यूरेसी चलता है। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एग्जाम में 97% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके टाइपिंग कंटेंट की, तो आपको मैं बार बार शुरू से कहते आया हूं कि 95% से ऊपर आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करो टाइपिंग में, गलती कम से कम करो, टाइम बहुत है, 10 मिनट में आप कंटेंट, और जो आपका पैसेज होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आपका उतना ही होगा, उससे कुछ वर्ड ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चों का आता सर टाइपिंग कहां से बेस्ट हम प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइपिंग को मैं बता दूं तो आप इंडिया टाइपिंग टूल है, इंडिया टाइपिंग टूल, टाइपिंग टूल है, यहां से कर सकते हो, टाइपिंग मास्टर से कर सकते हो, ठीक है, टाइपिंग मास्टर से करो, सोनी टाइपिंग से करो, ये सब से आप अलग अलग प्रकार के पैसेज को टाइप कर लो, ठीक है। तो ये आपको जितने भी डाउट थे, अभी आपका हो सकता है कि एक डेमो जो आपको मैंने पहले बताया कि जो पीडीएफ ऐसे दिया गया था पिछली बार, वैसे आपको पीडीएफ कुछ डेमो पर्पस से दिया जाए, अगर डेमो पर्पस से दिया जाता है तो वहां से मैक्सिमम आइडिया आपको लग जाएगा एनटीए अपने डेमो में केवीएस के द्वारा क्या करा रही है, कैसे कराएगी। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि एनटीए ने बैक स्पेस अलाउ किया है, स्क्रॉल ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, हाईलाइट होगा वर्ड, टाइम आपका 10 मिनट रहेगा। एक्यूरेसी की बात है तो एक्यूरेसी आप मेरे अकॉर्डिंग, मैं भी बता रहा हूं कि भैया एक्यूरेसी आप 97-95+ लेके चलो, इससे कम मत एक्यूरेसी लेकर चलना। बाकी आपके जैसे ही सूचना मिलती मैं जरूर आपके सामने आऊंगा और बताऊंगा कि क्या अपडेट आए हैं। वैसे भी मैंने मेल कर दिया है इन सब चीजों के बारे में केवीएस को कि आप बताइए, कोशिश बताने की हमें इंफॉर्मेशन दीजिए कि क्या होगा इसका पूरा का पूरा टाइपिंग शेड्यूल, कैसे क्वेश्चंस, मतलब जो टाइपिंग किस सेगमेंट में होगा, कितने समय लगेगा, ठीक है, ये सब आप कहीं डिस्कस नहीं किया गया, तो इस पे मैंने एक मेल डाला है, देखते हैं क्या होता है रिप्लाई। लेकिन ये ध्यान रखिए हो सकता है जल्द ही आपको आएगा। बाकी जो पीएच कैंडिडेट हैं बच्चे, उनपे जो बोल रहे थे कि सर मेरा, मैं आपको दिखा रहा हूं पीएच वाला जो एक नोटिफिकेशन आपका होगा कहीं, चलिए उसमें आपको साफ साफ लिखा गया है जो पीएच वाले बच्चे हैं ओएच वाले, कि अगर आपको जो मेडिकल वहां से आपका जो जहां से आप मेडिकल है मान लो जिला चिकित्सालय वहां से कोई डॉक्टर आपका बोल देता है बोर्ड से कि आप टाइपिंग के लिए असमर्थ हो, तभी आपसे टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। अब इसमें दो केसेस बनते हैं कि हो सकता है जितने भी पीएच के कैंडिडेट हो जिनको बोर्ड को लगे, मतलब केवीएस को लगे कि आपके टाइपिंग के लिए कुछ फॉर्म उनको भरवाना होगा, तो हो सकता ओएच वाले जो पीएच कैंडिडेट हैं जिनके लिए स्पेशली मेंशन किया गया था उनको मेल आए। तो जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इशू उनको फेस हो रहा है, वो अपना मेल रेगुलर चेक करते रहिएगा, या हो सकता है कोई नोटिफिकेशन ही 2-4 दिनों में आए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। आप लोग टाइपिंग अपनी कंटिन्यू रखिए, सीपीटी का जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 5 टॉपिक है और आपको 40% मार्क्स लाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैंने पहले भी बताया कि बैच चल रहा है, जो भी इच्छुक हैं, काफी बच्चे जुड़े हैं, वो बैच से जुड़ सकते हैं। परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करिए आप, ठीक है, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से आप बैच से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपका टाइपिंग से रिलेटेड, चाहे कोई भी रिजल्ट जो आया है उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी समस्या बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।